एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार से मैं राकेश कुमार, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से अमित कुमार की रिपोर्ट, जहां से वो बता रहे हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सैयद अब्दुल रहमान, अति पिछड़ा मोर्चा के रुपेंद्र कुशवाहा, जिला मुजफ्फरपुर प्रवक्ता ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जायजा लिया और लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास किया और तत्काल जिला प्रशासन को, बिहार के मुख्यमंत्री को इन लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने मांग की है। आइए विस्तृत जानकारी अमित कुमार जी के द्वारा आपको मैं दिखाता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोयरिया निजामत पंचायत को पूर्ण रूप से बाढ़ घोषित करना चाहिए, बाढ़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए और यहाँ की जनता को पूर्ण रूप में बाढ़ क्षेत्र का अनुदान भी मिलना चाहिए। मैं इसके लिए वरीय पदाधिकारी से मिलूंगा, मैं डीएम साहब से मिलकर कोरिया निजामत पंचायत के वस्तु स्थिति को बताऊंगा, समझाऊंगा। ये सारे घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, लोग यहाँ के त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग यहाँ त्राही माम हैं। यहाँ वरीय पदाधिकारियों का आगमन होना चाहिए, यहाँ का दौरा होना चाहिए और वहाँ यहाँ के वस्तु स्थिति को जानते हुए यहाँ के लोगों को अनुदान, कृषि इनपुट और जो है और कृषि अनुदान और बाढ़ क्षेत्र घोषित करते हुए बाढ़ पीड़ितों को यहाँ सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से मिलना चाहिए।